सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है, व्हाट इज द मोटिव? पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी। बेटा ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। 250-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं, सवाल तो बनता है ना। आप स्टेट से ये सवाल करें, आंखों में आंखें डाल कर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक की, अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररिलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं आप उसकी कोई बात ही नहीं करता। ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफ स्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफ स्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं? पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। वाह कितने उच्च विचार हैं आपके, कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। वैसे तो हम उनसे मुकाबला कर वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं मुकाबले रहे। में आ नहीं रहे हम भाई। हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारा दूसरी दुनिया से आया है, इस बेचारे को खुद ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है। अरे भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बाप हमेशा दो कदम आगे ही रहता है। मशीमा, ओवर टू यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है। बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है, व्हाट इज द मोटिव? थैंक यू मिनाहिल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररिलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं आप उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया और उनको कहा कि जी आप हमारी आए और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी, ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया, इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रीजन से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है, सार को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता, लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररिलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है,
है, लेकिन सो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है, ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे, ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बर्तानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं, जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं, लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स अ राइट टाइम कि हमें अपने जो जो जिसे कहते हैं ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे, बिकॉज वेयर एवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना ग्रेट पावर के वो डिजाइन्स हैं, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं, वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, unko allow kiya jaye ke wo aaye aur baithe. Agar aap kisi ko kuch paise hi nahi dete, jaise Pakistan hai, ab hum Sri Lanka ke economic crisis mein minahal koi contribute nahi kar sake, to wo kyon hamari baat manega kal ko agar Sri Lanka ko kuch hai aisa? Bilkul, to make an ally you need to give them something to get something in return. Obviously, and मजे की बात यह है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सार्क है, हम सार्क का इजलास नहीं बुला सकते, क्यों नहीं बुला सकते सार्क का इजलास? द रीजन बिहाइंड इज के जो हमें पता है कि अगर हमने बुलाने की कोशिश की तो वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे एक जो रीजनल बॉडी है उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। सो ये जो पैसा है इंडिया की तरफ से जा रहा है ये इस सॉर्ट ऑफ आप समझें कि ये इस चीज में जो आता है, तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है, उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं आवाम का हाल बेहतर होता, लेकिन आपने ये नहीं करना क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के का किसको ख्याल है? देखिए, 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विद 7% GDP ग्रोथ रेट एंड 656 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट है इन कंट्रीज के लिए भी किसको जरूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इन इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना, पहले आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों की चीजों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।